राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रविवार को जमकर बारिश हुई। इस बारिश से जहां कई जगहों पर गर्मी से राहत मिली तो कई जिलों में किसानों की चिंता बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान के जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। खेतों में कटी फसलों को जहां नुकसान का अंदेशा है तो वहीं अगेती फसलों को इससे फायदा भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में 18 और 19 अक्टूबर को भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 17 अक्टूबर को मौसम ने अचानक पलटी मारी। वाराणसी, आजमगढ़, मंडल सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से पूर्वा हवा के साथ काफी नमी आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिस वजह से कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बरसात से धान उत्पादक किसान की चिंता बढ़ गई है। तेज हवा चलने पर धान की पकी फसल जमीन पर गिरने का खतरा बढ़ गया है। बारिश के कारण पकी फसल की कटाई में दिक्कत आएगी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर रविवार को राजस्थान के पूर्वी इलाकों पर दिखाई दिया। कई जगह सवेरे से ही बारिश शुरू हो गई थी तो कहीं तेज हवाओं के साथ मौसम ने पलटा खाया और जमकर बारिश हुई। दौसा के सिकंदरा में भारी बारिश हुई। किसान की खेतों में कटी सोयाबीन की फसलें पानी में खराब हो गई हैं। ऐसे में पिछले 4 महीने से मेहनत कर रहे किसान की मेहनत पर पानी फिरता नजर आया है। वही किसानों का कहना है कि बारिश से रबी की फसल बुआई में फायदा मिलेगा और चना व सरसों की फसल की अच्छी बुआई हो सकेगी, लेकिन धान और सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचेगा। राजस्थान के कई जिलों में मानसून के समय भी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को पूर्वी राजस्थान के अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।